पश्चिम मध्य रेलवे जोन के इटारसी खंडवा के बीच रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना गार्ड के मालगाड़ी 3 स्टेशन को क्रॉस करते हुए 23 किलोमीटर तक पहुंच गई है। गार्ड साइड से सिग्नल नहीं मिलने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल गाड़ी को चारखेड़ा स्टेशन पर खड़ा कराया गया। कंट्रोल से सूचना पर गार्ड की तलाश शुरू की। खिड़किया और भिरंगी स्टेशन पर खंबा नंबर 648 के पास ट्रैकमैन को गार्ड नीरज सब काले घायल हालत में झाड़ियों में मिले। कंट्रोल से सूचना पर सुबह करीब 6:45 बजे 12137 मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल को गार्ड को उठाने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खिड़किया से रवाना किया गया। पेट्रोलिंग कर रहे ट्रैकमैन ने हाथ देकर घटना स्थल बताया। पंजाब मेल उससे थोड़ी आगे आ चुकी थी। गार्ड को उठाने के लिए गाड़ी करीब 500 मीटर पीछे लाया गया। खून से लथपथ गार्ड को कुछ यात्रियों के सहयोग से उठाकर गार्ड के डिब्बे में लिटाया गया। हरदा में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर शैलेन तिवारी व स्टाफ ने गार्ड को उतारकर एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल ले गया, जहां चोट अधिक होने से उन्हें हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर किया गया। हालांकि उन्हें 1:00 बजे नर्मदापुरम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रेन से गिरे गार्ड के सिर में 8 टांके आए हैं। उनका नर्मदापुरम के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। उनके बयान होने के बाद ही घटना स्पष्ट हो पाएगी। घटना में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस स्थान पर रेलकर्मी गिरा है, चारखेड़ा के बीच की दूरी 23 किलोमीटर है। इस बीच भिरंगी, मसन गांव, पलानसेर और हरदा स्टेशन आते हैं, लेकिन किसी भी रेलवे स्टेशन के अधिकारी को भनक नहीं लगी। ट्रेन में गार्ड नहीं है। चारखेड़ा स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन को रुकवाया गया, पगढाल स्टेशन तक लाया गया। मामले में मंडल के एडीआरएम से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रेलवे के काम से 3-4 दिनों से गुना आया हूं। आप डीआरएम या रेलवे पीआरओ से संपर्क करें।